किया था, और हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने फिनिश किया था। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट स्टार्ट किया था। एसी करंट का एक लेक्चर ही हुआ था सिर्फ, उसमें हमने ये डिस्कस हुआ था कि कैसे एसी करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। इट वाज बाय एसी जनरेटर, एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। ओके, और उसके बाद मैंने उसमें आरएमएस वैल्यू कुछ बताई थी, याद है? सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन अब सर बोल रहे हैं शायद कि यू आर हैविंग दिस चैप्टर इन द एग्जाम, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट? तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये पहले इसका कभी भी लेक्चर हुआ है क्या कोई, इसका मैग्नेटिज्म एंड मैटर का? नहीं ना, सो फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग, राइट? ठीक है स्टूडेंट, राइटिंग में लिखी है स्क्रीन पे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर लिखा है, इतनी ठीक है कि थोड़ा बड़ा करके लिखना है कि इट इज ओके टू रीड दिस? ओके सर। ठीक है, तो चलो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं अभी। देखो इसका चैप्टर का नेम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो नाम से ही समझ में तो आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, कि मैग्नेट्स कैसे होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो सब रहेगा। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैग्नेट्स। ठीक है, अब एक बात बताओ मैग्नेट्स क्या होते हैं, पता है? अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट हर उस चीज को बोल सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर कोई भी चीज अपने आसपास अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है तो वो मैग्नेट है, मतलब। हाँ तो एक बात बताओ, ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रेट वायर ले लेंगे, फिर एक स्ट्रेट वायर, उस स्ट्रेट वायर में से मैंने करंट पास किया, तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, तो मतलब करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। तो इस चैप्टर में लेकिन हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, फ्रॉम द करंट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। इसमें हम लोग फोकस करेंगे बार मैग्नेट्स के ऊपर। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट बार मैग्नेट्स, मतलब जो विदाउट करंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब। तो ये चैप्टर में हम लोग ज्यादातर है ना बार मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक बात, आप सबने बार मैग्नेट देखा होगा, एटलीस्ट सुना तो है और पता है बार मैग्नेट कैसे काम करता है। तो एक बात बताओ, मैग्नेट्स जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है कि आर्टिफिशियली मेड होते हैं, मतलब कुछ पता है? ऐसे आपका जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूं मैं, आई जस्ट वांट टू चेक योर नॉलेज अबाउट मैग्नेट्स। यस, मैग्नेट्स जो है वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, बराबर? यस ठीक है, इस चैप्टर में आपको पूरा मैग्नेट्स के बारे में जानना है, यू टू लर्न एवरीथिंग एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट मैग्नेट्स ओनली। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं पहले मैग्नेट्स के बारे में। तो एज यू टोल्ड मी दैट मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो चलो पहले नेचुरल पे आ जाते हैं। नेचुरल जो नेचुरल मैग्नेट्स है ना, ठीक है, वो एक्चुअली में अगर मैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बताऊँ, केमिकली वो होते हैं Fe2O3, सॉरी सॉरी 1 मिनट, दे आर Fe3O4। एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट्स यही होते हैं Fe3O4। ठीक है, एक देखो केमिस्ट्री में इसका कुछ नाम होगा, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, कुछ नेम होगा, वो आप देख लो क्या नेम है इसका, Fe3O4। बट इसको देख के मैं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये आयरन का एक ओर है एक्चुअली ना, इट्स एन ओर ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें आयरन है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, तो एक्चुअली दिस इज एन ओर ऑफ आयरन। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं एक्चुअली में, वो आयरन के ओर होते हैं, दे आर द ओर्स ऑफ द आयरन। ठीक है, सो नेचुरल मैग्नेट्स आपको मालूम है। ठीक है, अब नेचुरल मैग्नेट अगर आपने देखे हैं, बहुत कम ही दिखते हैं, लेकिन अगर देखे हैं नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं ना, काफी वीक होते हैं, दे आर वेरी वीक। वीक मतलब एक्चुअली में टूटने में भी वीक होते हैं, मतलब टूट बहुत इजीली टूट जाते हैं, दे ब्रेक इजीली, दे आर वीक। ऑल्सो वो अट्रैक्शन में भी वीक होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकते आयरन की पीसेस को, दे आर वीक इन द स्ट्रेंथ, ओके, एंड ऑल्सो वीक इन द अट्रैक्शन, मतलब ज्यादा कुछ स्ट्रांग मैग्नेट्स नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो बहुत वीक होते हैं, ऊपर से अट्रैक्शन भी उनका काफी कम होता है, तो अल्टीमेटली नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट वेरी मच यूजफुल, इसलिए हम लोग ने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाए हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर वेरी मच स्ट्रांग, क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रांग बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट पता है एक्चुअली में बनते किस में से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल टू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इज स्टील।
स्टील से बनते हैं, ठीक है। स्टील को मतलब कन्वर्ट करके आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। अब कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनते हैं वो ही हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट अभी याद रखो कि इसमें से बनते हैं, स्टील में से। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स, दे आर वेरी स्ट्रांग, ओके, क्योंकि स्टील से बने हुए हैं, स्ट्रांग होते हैं काफ़ी, ठीक है। मैग्नेट्स आपने कभी कभी स्पीकर के पीछे देखे होंगे, स्पीकर में लगे होते हैं पीछे, या तो मैग्नेट्स से रिलेटेड टॉयज भी आते हैं वो देखे होंगे, वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, नेचुरल मैग्नेट्स इतना यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, सो मैग्नेट्स ये होते हैं, ठीक है, ओके। ज़्यादातर जो आपकी अभी स्टडी होने वाली है ना, जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में ही है। वीक मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो मैग्नेट्स को अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सी एक बार बता, जैसे ही मैं वर्ड निकालता हूँ मैग्नेट, जैसे आप मैग्नेट सुनते हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चर बनता होगा, आई एम श्योर, ऐसा बनता है क्या? ऐसे हाँ मत बोलो, हाँ सर आप बोल रहे हो तो ठीक है वो, हाँ भी हाँ, ऐसे नहीं, सच में यही बनती होगी पिक्चर, राइट, आपके माइंड में। मैग्नेट सुना, बार मैग्नेट, तो ऐसी कुछ पिक्चर आती है, नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। तो आपको मालूम है मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, राइट। ये नॉर्थ और साउथ पोल एकदम कॉर्नर्स में होते हैं, बीच में होते हैं क्या, कि कॉर्नर पे ही होते हैं दोनों, एंड पॉइंट कॉर्नर पे रहते हैं। एक्चुअली में मालूम है क्या है, ध्यान से सुनो, एक्चुअली में अंदर कोई नॉर्थ या साउथ पोल होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये हम लोग ने खाली ऐसे एज पर कन्वेंशंस दिए हैं कि ये नॉर्थ साउथ होते हैं, ठीक है। सच में कोई अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसको आप बोलोगे हाँ ये चीज है, इसके अंदर है, इसको नॉर्थ बोलते हैं, ऐसी सच में नॉर्थ साउथ होता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन फिर भी अब काम करेंगे फॉर द हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, हम लोग ऐसे मानते हैं कि अंदर नॉर्थ एंड साउथ है एक्चुअली में। तो बताओ ये सब ये नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। ये देखो हमने पॉइंट बनाई है, मतलब नॉर्थ पोल क्या है, वो एक पॉइंट है एक्चुअली, और साउथ पोल भी एक पॉइंट के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल ऐसा लाइन के फॉर्म में नहीं होता है, नॉर्थ पोल ऐसा कोई स्फीयर के फॉर्म में नहीं होता है, नॉर्थ पोल बस एक पॉइंट को बोलते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स अंदर होती है मैग्नेट के, एंड दीज आर लाइक इमेजिनरी पॉइंट्स ऑलमोस्ट, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, अब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दिस इज द डिस्टेंस, दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये जो डिस्टेंस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस वगैरह में, यही हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। इस डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और एक बात, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोला मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन एक बात, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर इमेजिनरी पोल, सच में आप नहीं देख सकते नॉर्थ और साउथ को, तो आप क्या करोगे, आप अगर मैं आपको बोलूं लेंथ मेजर करो मैग्नेट का, लेंथ मेजर करो, विल यू मेजर द लेंथ फ्रॉम दिस एज टू दैट एज, ना एज से एज तक मेजर करोगे ना, ये वाला लेंथ, ये है लेंथ ऑफ एक्चुअली मैग्नेट ना, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ, दिस इज जियोमेट्रिक लेंथ, ओके। डायग्राम देख लो, डायग्राम में दोनों समझ में आ जाएगा, ज्योग्राफिक ज्योमेट्रिक लेंथ कौन सी है और मैग्नेटिक लेंथ कौन सी है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात, इसमें हम लोग डेरिवेशन वगैरह जब भी करेंगे ना, डेरिवेशन में हमारी मैग्नेटिक लेंथ ही इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैग्नेटिक लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी डिनोट दिस लेंथ बाय एल सिंबल्स समटाइम्स, मैग्नेटिक लेंथ को एल लिखते हैं, या कभी कभी किसी बुक में इसको 2L सिंबल भी दिया जाता है, 2L, दोनों से आप फैमिलियर होने चाहिए, 2L भी होता है और L भी होता है। अब एक डाउट आएगा कि सर L तो ठीक है, मैंने ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ को आपने L सिंबल दे दिया, ये 2L कहाँ से आ गया, 2 क्यों आ गया फिर? तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बीच में सपोज ये मिड पॉइंट है दोनों का, इसे मिड पॉइंट, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे बोला कि जो मिड पॉइंट से नॉर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो L है, मिड पॉइंट से नॉर्थ तक का डिस्टेंस L है, तो मिड पॉइंट से साउथ तक कितना होगा, वापस L ही होगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, 2L, ठीक है। तो यू कैन राइट 2L ऑल्सो, तो भी चलता है, बुक्स में 2L ही यूज किया जाता है ज्यादा करके, ठीक है। तो सर, पैटर्न की सब चेंज कर सकते हैं कोई भी, वापस बोलो क्या बोला
सर कन्वीनियंट के हिसाब से ऐसा 3 5 लिख सकते हो? नहीं नहीं लिख तो सकते हैं, ऐसा मैथमेटिकली वो अलाउड है, लेकिन हम लोग एट द मोस्ट 2 वाली लिखते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। यस सर 2 वाली ठीक है। ठीक है अभी तक ये बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये? ओके ठीक है। हाँ सो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैट्रिक लेंथ क्लियर है, देख लो डायग्राम में। अब एक बात, इन दोनों लेंथ में से आपको क्या लग रहा है कौन सी लेंथ थोड़ी छोटी है, विच वन इज अ स्मॉलर लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ छोटी है ना, और डेरिवेशन वगैरह जब करोगे ना उसमें मैग्नेटिक लेंथ ही इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट्स द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, दैट इज अ मैग्नेटिक लेंथ, वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैग्नेटिक लेंथ, हियर आई हैव रिटन दैट मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। ये देखो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जो ज्योमेट्रिक लेंथ है ना, ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ अगर 6 पार्ट्स से बनी है, इट इज ऑफ 6 पार्ट्स, तो मैग्नेटिक लेंथ इज आउट ऑफ दैट मैग्नेटिक लेंथ इज ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक लेंथ अगर 6 पार्ट्स है तो मैग्नेटिक लेंथ में कितने पार्ट्स आ जाएंगे? 5 पार्ट्स आएंगे, 5 आउट ऑफ 6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला की कोई डेरिवेशन नहीं है, ओके ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की जाती है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट से ये फॉर्मूला पता चलती है, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस वन। ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझा पूरा? ठीक है ओके। अब एक बात, आपने स्कूल लेवल में सुना होगा, टेंथ में या नाइन्थ में, मैग्नेट को जब कट करते हैं तब आपने मैग्नेट को बीच में से कट कर दिया, तो फिर नॉर्थ और साउथ अलग हो जाते हैं क्या, कि फिर से नॉर्थ साउथ फॉर्म हो जाएगा? फिर से फॉर्म हो जाएगा, मतलब आप नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव अ ओनली नॉर्थ, यू कैन नॉट हैव अ ओनली साउथ, राइट? सिर्फ नॉर्थ नहीं मिलता है कभी भी। सो होता क्या है कि अगर मैं ऐसे मान लू, देखो ये भी डायग्राम देखो, अगर मैं ऐसे मान लू कि मेरे पास एक चीज देखो, उसमें खाली नॉर्थ पोल है, ये देखो साउथ है ही नहीं, देखो ये देखो, ये इसमें खाली कितने पोल्स दिख रहे हैं आपको? एक ही पोल दिख रहा है, कौन सा? नॉर्थ पोल। ओके, लेकिन ऐसी चीज होती है क्या कि देखो ये वाली जो चीज बनाई है, ऐसा हो सकता है सिर्फ नॉर्थ? नो नो, चीज को बोलते हैं मोनोपोल। मोनो मतलब एक पोल, ये एक ही पोल है, इसको बोलते हैं मोनोपोल। मोनोपोल मोनोपोल जो आपके ख्यालों में हो सकता है, असली में नहीं होता है मोनोपोल, इसलिए हम लोग बोलते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब एक पोल। ठीक है, तो आप क्या बोलना चाहते हो? हमेशा नॉर्थ और साउथ साथ में ही रहते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ नॉर्थ नहीं हो सकता है, हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करें, मतलब दोनों पोल्स हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इसको बोलेंगे डाइपोल। डाइपोल एग्जिस्ट बट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है सो ठीक है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, तो अभी चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग। एक बात, सपोज एक बार मैग्नेट है, इट्स अ बार मैग्नेट, इसमें ये देखो ये मैंने दो पोल्स बना दिए, देखो मतलब ये डाइपोल है। ठीक है, ये पोल को चलो नॉर्थ पोल बोल देते हैं और ये साउथ है। ओके अब एक बात, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, पोल्स जो होते हैं ना नॉर्थ और साउथ पोल, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि बहुत दूर से आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैग्नेट्स इतने वीक होते हैं कि बहुत स्लोली स्लोली आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विथ अ लेस फोर्स। ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट्स कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कैसे है क्या सारे मैग्नेट्स इक्वली स्ट्रांग होते हैं अट्रैक्शन में? नहीं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मैग्नेट वीक है, अट्रैक्शन में बोल रहा हूँ, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के टाइम पे मैग्नेट वीक है अगर, तो मैं क्या बोलूंगा, उसके पोल्स एक्चुअली में वीक हैं, और मैग्नेट काफी स्ट्रांग है तो मैं बोलूंगा उसके पोल्स आर स्ट्रांग एक्चुअली। ठीक है, तो स्ट्रांग मैग्नेट मतलब उसके पोल्स को हम लोग मानते हैं स्ट्रांग है, ओके, और वीक मैग्नेट्स मतलब उसके पोल्स जो है वो वीक है। सो पोल्स कैन बी स्ट्रांग, पोल्स कैन बी वीक ऑल्सो। तो देयर इज अ मेथड इन द फिजिक्स बाय विच वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल, पोल कितना स्ट्रांग है या पोल कितना वीक है वो मेजर हो सकता है। देयर इज अ मेथड अवेलेबल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल, लेकिन पोल को मेजर कर सकते हैं, और पोल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है, इसके टर्म्स में हम लोग पोल को मेजर करते हैं। इट्स अ क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है? पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव्स अस आइडिया दैट हाउ मच स्ट्रांग दीज पोल्स आर. अगर पोल काफी स्ट्रांग है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा निकलेगी. और अगर पोल वीक है तो आप उसकी पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, वो बहुत कम आएगी वैल्यू में. तो पोल स्ट्रेंथ इज अ क्वांटिटी विच मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट पोल. जो पोल की स्ट्रेंथ मेजर करता है वो क्वांटिटी कौन सी है? पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो एक बात हो, यहाँ पर आपको कितने पोल्स दिख रहे हैं? दो पोल्स दिख रहे हैं. हर एक पोल का अपना अपना क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ होगा. ठीक है, तो सपोज ये नॉर्थ पोल है ना, इसकी पोल स्ट्रेंथ में लिखता हूँ प्लस एम. ये प्लस एम जो लिखा है ना वो उसकी पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है. और जो साउथ पोल है इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस में लिखी जाती है. ठीक है, साउथ इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग अ नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ एंड नॉर्थ को कहा जाता है कि वो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है. ठीक है, जिनको ये कंफ्यूजन हो रहा है सर ये पोल स्ट्रेंथ एंड ऑल क्या है, ये सिंपल याद रखो, पोल स्ट्रेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है. मतलब आप पोल स्ट्रेंथ को आप मेजर कर सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. और पोल स्ट्रेंथ से हमको ये अंदाजा मिलता है, ये आइडिया मिलती है कि आपका पोल जो है वो कितना स्ट्रांग है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, हाउ मच स्ट्रांग दे आर इन अट्रैक्शन. ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ होती है. एक चीज अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए, तो एक याद रखो, ये जो पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया ना, पोल स्ट्रेंथ प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, उसमें चार्ज का जो इंपॉर्टेंस है ना, जो भी आप रोल चार्ज प्ले करता है वो सेम रोल मैग्नेटिज्म में ये पोल स्ट्रेंथ प्ले करती है. क्या मतलब है इसका? आपने ये सुना है ना, दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. यहाँ पे मैं बोलूंगा दो लाइक पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे को रिपेल करती है. आपने ये सुना होगा कि कूलम लॉ, आपने सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कूलम लॉ ऐसा है क्या कुछ? 1/4πε0 Q1 Q2 / R² ऐसा कुछ है? Yes. तो इसमें Q1 Q2 क्या होता है? कूलम लॉ में Q1 Q2 चार्जेस. अगर आपको कोई बोले कूलम लॉ मैग्नेटिज्म में लगा दो, क्योंकि मैग्नेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, मैग्नेटिज्म में कूलम लॉ बताओ, कूलम लॉ एंड मैग्नेटिज्म, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो जो कांस्टेंट था 1/4πε0 कांस्टेंट है ना, उसकी जगह पे हम लोग कोई दूसरा कांस्टेंट डालेंगे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड. लेकिन Q1 Q2 की जगह पे क्या डालेंगे? Q1 Q2 आर चार्जेस. Q1 Q2 की जगह पे हम लोग पोल स्ट्रेंथ डालेंगे, M1 M2 ऐसे करके. पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल m सिंबल, और वो डालेंगे. पोल स्ट्रेंथ इज प्लेइंग द सेम रोल एज प्लेड बाय व्हाट? चार्जेस. ठीक है, बात ऐसा है कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना एक दूसरे को ज्यादा फोर्स भी एग्जर्ट करेंगे. इफ द चार्जेस आर मोर इन, ज्यादा कूलम का चार्ज है तो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे. वैसे ज्यादा पोल स्ट्रेंथ है तो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, अब एक बात हो, मैंने अभी क्या बताया, पोल स्ट्रेंथ प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय व्हाट? चार्ज. ध्यान में रखना, अब एक बात, चार्ज जो है उसको कूलम्स में मेजर करते हैं, isn't it? तो ऐसे ही पोल स्ट्रेंथ का भी यूनिट रहना चाहिए. ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है ना वो है एम्पियर मीटर, एम. यहाँ पे लिखा है मैंने एम्पियर मीटर. अभी यूनिट कैसे आया, क्यों आया, वो बाद में देख लेंगे, अभी इसको नहीं समझा सकते. बट सर यूनिट है एम्पियर मीटर एक्चुअली. ओके, सो जो भी लिखा है इसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी तक तो बोलो पहले, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर. एवरीथिंग क्लियर इन दिस? यस. So let's move further. So अभी तक हम लोगों ने जो नई नई चीजें सीखी हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. देखो सपोज ये एक मैग्नेट है, इट्स ऑलवेज हैविंग अ टू पोल्स, दैट्स वाई मैं इसको डाइपोल भी बोल सकता हूँ. प्लीज टेल मी ये क्या है, बताओ. ये मैग्नेटिक लेंथ. मैड ग्लेंथ, गुड. चल इसको 12 नेम दे देते हैं. ठीक है, और नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, पोल की स्ट्रेंथ, दैट इज सपोज प्लस एम, और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज माइनस एम. यहां तक देख लो. ठीक है, आगे बढ़े. चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ. प्लीज सी, अब एक बात, इसको ये तो बेसिकली मैग्नेट है, बट वी कैन कॉल दिस मैग्नेट एज अ डाइपोल ऑल्सो. इसको डाइपोल बोल सकते हैं. हर एक डायपोल की, अगर कोई भी डायपोल होता है उस डायपोल की डायपोल मूवमेंट भी होती है. एवरी डायपोल हैज अ मूवमेंट. हर डायपोल की डायपोल मूवमेंट भी होती है.
डायपोल मैंने आपने पढ़ा है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में भी. तो सिंस इज अ डायपोल इट हैज अ डायपोल मोमेंट. ठीक है, डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल कैपिटल एम. ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, जैसे मैंने एम बार लिखा है. ठीक है, अब डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, सी ये आपका जो डायपोल है ना, इसकी लेंथ ले लो, लेंथ ऑफ दिस डायपोल इनटू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. अब चार्ज तो है नहीं, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ मतलब ले लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ द डायपोल, तो उससे मिलती है डायपोल मोमेंट. एक बात है यहां पे देखो, मैं लिख रहा हूं लेंथ इंटू चार्ज. ठीक है, लेंथ लिखा एल इंटू चार्ज, चार्ज की जगह मैं पोल स्ट्रेंथ ले लूंगा ना, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ मतलब स्मॉल है, मैं देखो इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, मैं माइनस नहीं लेना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है स्मॉल है. तो डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली व्हाट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ और लेंथ इनटू चार्ज. लेंथ आप एल भी लिख सकते हो, लेंथ मैंने आपको बोला था आप टू एल भी लिख सकते हो, टू एल ले लो. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी यही होता है, लेंथ इनटू चार्ज करो इट गिव्स यू डायपोल मोमेंट. सो आज की बात प्लीज याद रखना, लेंथ इनटू चार्ज इज अ डायपोल मोमेंट. अगर चार्ज नहीं है तो क्या करोगे, चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे. Is it a screen clear and audible? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैं आई होप आप नोट कर रहे हो साथ में. अभी बात है, ये जो डाइपोल मूवमेंट है, इसका यूनिट पहले निकाल लेते हैं. थोड़ा सोचो किसका यूनिट कैसे निकालोगे. मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. करेक्ट, इट्स यूनिट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और इनटू लेंथ किया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाएगा वो. अच्छा, नेक्स्ट है ये जो मैंने बोला डायपोल मोमेंट जो है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है. पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ और स्केलर था, लेकिन डायपोल मोमेंट इज इंडीड अ वेक्टर. इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव पोल टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ. यहाँ पर साउथ को नेगेटिव पोल माना जाता है एंड नॉर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव पोल, दोनों अपोजिट पोल्स हैं. तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, इन साइड द मैग्नेट. मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये देखो मैंने ये एरो बनाया यहाँ पे, ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इट इज डायपोल मोमेंट. ठीक है, ये सब बना लो आप भी अपने नोटबुक में, बाद में रिवाइज करने में इजी होगा. फिर फिनिश अप टिल दिस. ठीक है, हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, सीरियस लुक एट दिस लाइन, है डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ में दोनों में से पास हो रही है ना. दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, और यू कैन से एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो एक्सिस क्या होती है मैग्नेट की, वो लाइन जो नॉर्थ और साउथ दोनों से पास हो जाती है, दिख रहा है डायग्राम में एक्सिस. ठीक है, हाँ. अब देखो एक और मैं लाइन बना रहा हूं, अगेन इट इज एन इमेजिनरी लाइन, अगेन इट इज इमेजिनरी लाइन. सी दिस लाइन नाउ, सी दिस वन, टेल मी, ये लाइन दिख रही है, ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, किसी को नाम मालूम है इसका? इट्स नोन एज इक्वेटर. तो हमेशा जब भी मैग्नेट होगा ना आपके पास, या डाइपोल होगा, बेसिकली डाइपोल ऑलवेज हैव वन एक्सिस एंड वन इक्वेटर. कैन आई से एक्सिस एंड इक्वेटर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस यस. ठीक है, तो ये सब देख लो पहले, दिस इज लाइक अ फाउंडेशन, बेसिक्स है ये डायपोल मैग्नेट का, ये सब पता होना चाहिए पहले. सर हम इनफिनिट इक्वेटर बना सकते हैं ना इसमें? वापस बोलो. इनफिनाइट इक्वेटर्स बना सकते हैं ना?
नहीं एक्चुअली मैं क्या होता है मैं बताता हूँ, इक्वेटर इनफाइनाइट नहीं होता है, इक्वेटर एक ही होता है एक्चुअली। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मैं और लाइंस बना सकता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, एक्चुअली में इक्वेटर एक लाइन नहीं होती है, इक्वेटर इज नॉट अ लाइन जैसे डायग्राम में दिख रहा है, एक्चुअली में इक्वेटर एक प्लेन होता है, इट्स अ प्लेन। और वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ, ये मेरा हाथ देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक बार, मेरा हाथ है ऐसा ना, अगर मैं देखो मैं अपने हाथ को ऐसे रखूँ, देखो देखो क्या मेरा हाथ दिख रहा है, ये मेरा हाथ अभी क्या है, प्लेन है कि एक लाइन है, बस मेरा हाथ अभी प्लेन है, देखो ऐसे देखो लाइन है, प्लेन है, तुमको लाइन दिख रही है ऊपर से लेकिन वो है प्लेन है एक्चुअली ऐसा। यस यस हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है मेरा प्लेन, ये दिख रहा है, यस सर यस। हाँ ये एक्चुअली में इक्वेटर ऐसा होता है, इट्स अ प्लेन व्हिच कट्स द मैग्नेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, प्लेन होता है एक्चुअली वो, तो इसलिए प्लेन वो एक ही बन सकता है, प्लेन इनफाइनाइट प्लेन्स नहीं बनेंगे है ना, ऐसा एक ही बनेगा। ओके तो इक्वेटर एक्चुअली में प्लेन होता है लेकिन हमको ऐसा लगता है कभी फीलिंग आती है कि वो एक लाइन है, एक्चुअली में लाइन नहीं है, बट या डेफिनेटली एक्सिस इज अ लाइन, एक्सिस एक लाइन ही होती है और एक्सिस भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, वो एक ही होती है, एक्सिस इज अ लाइन बट इक्वेटर इज एक्चुअली अ प्लेन। स्टूडेंट्स आई होप क्लियर है ये सब, आगे बढ़े। मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो बिफोर आई गो फर्दर आगे की थियरी डिस्कस करें, हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल ऑल्सो। सी सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, ओके इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है ना, ओके इसकी डाइपोल मूवमेंट एम है, इधर मैं लिख रहा हूँ, लेट एम इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, आप लिख लो लेट एम इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, एम है, ठीक है। आगे लिखो क्वेश्चन, इफ द मैग्नेट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, If the magnet is bent in the form of arc, okay, of angle theta, मैं रिपीट कर रहा हूं, If the magnet is bent in the form of arc of angle theta, then find the new dipole moment. Then find the new dipole moment. क्वेश्चन सबने लिखा, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखो यहां पे सी सपोज दिस इज योर बार मैग्नेट और इसका मोमेंट कितना बताया मैंने, इसका मोमेंट एम है। अब इस बार मैग्नेट को मैंने बेंड करके ऐसे बना दिया, सी और यहां पर ये एंगल दिख रही है, एंगल है थीटा। तो मैग्नेट को किस फॉर्म में बेंड किया मैंने, किस शेप में आ गया है मैग्नेट, आर्क आर्क। हाँ और वो आर्क आपको मालूम है, आर्क जो होता है कोई भी आर्क सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करता है, कुछ एंगल फॉर्म करता है, वो एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये आर्क है ना, तो सपोज आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, सर्कल का रेडियस आर है। अभी जो आर के फॉर्म में आ गया, अब इसकी डायपोल मोमेंट निकालनी है। स्टूडेंट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स है ना एंट्रेंस की भी कवर करते जाऊंगा, ताकि जब आप एंट्रेंस के एमसीक्यू करोगे आपको इजी पड़ेगा फिर, तो ठीक है। सो ये क्वेश्चन ज्यादातर एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर कर लेते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है पहले आपने, कर सकते हो क्या कि मैं स्टार्ट कर दूं, सोचो क्वेश्चन क्लियर है एटलीस्ट सबको। तो ये जो बात है न्यू डायपोल है ना, जो न्यू मतलब आर्क के फॉर्म में बेंड किया, न्यू जो आर्क बना है उसकी डायपोल मोमेंट निकालनी है, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर, इनिशियली इट वाज अ बार मैग्नेट इजंट इट, व्हेन इट वाज अ बार मैग्नेट सपोज इट्स लेंथ वाज एल, एल वाज अ लेंथ एंड द पोल स्ट्रेंथ वाज प्लस एम एंड माइनस एम,
प्लीज टेल मी व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, व्हाट्स द डायपोल मोमेंट फॉर्मूला फॉर दिस? ML L into M. L into M. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L into M, बराबर, इट इज अ डायपोल मोमेंट जिसको आप कैपिटल M से डिनोट करोगे ना, तो कैपिटल M इक्वल टू L into M, गिव इट फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो जब आपने इसको बेंड करके आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट किया, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क, इन दैट वन हाउ मच विल बी दिस थिंग स्टिल? L. L only. Now in the case of arc, in case of arc, you very well know one formula. That is r theta. S is equal to r theta. Theta. Here we will write in place of S, what will come? L. Geometric length. L. हाँ, approximately geometric length और magnetic length equally है, ऐसे मान लेंगे यहाँ पर. Approximately दोनों equally मानी जाएंगी यहाँ पर. एक length अलग हो जाएगा ना? अरे हाँ बाबा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वही लेंगे, देखिए ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं गिवन है. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वो 5/6 करके हम लोग 5/6 टाइम्स करके निकालेंगे, नहीं यहाँ पे कोई बोलता नहीं है वो करने के लिए, मैग्नेटिक लेंथ को ही ज्योमेट्रिक लेंथ मान के चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, अप्रोक्सीमेटली राइट आ जाता है आंसर. ठीक, तो एस की जगह एल लिख दो, एल इक्वल टू आर थीटा, बराबर. अब एक बात, लुक एट दिस न्यू डाइपोल, लुक एट दिस, इन दिस वन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, आपने बोला एल है, वो एल बराबर है, लेकिन एल इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ विल बी दिस वन ना? यस, शॉर्टेस्ट सीधा सीधा बनेगा ना, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखो सब ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है, this way if I go this way, this distance is L, but actually I should take this distance, ये दोनों के बीच का shortest distance है, और ये ऐसा ऐसा, ये देखो बराबर ना, सो अभी काम करेंगे, ये मैंने same to same यहाँ पे copy किया है, same चीज, देखो क्या करेंगे, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सी केयरफुल दिख रहा है, ये ठीक है क्या स्टूडेंट, जूम किया थोड़ा मैंने, ये ठीक है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है जूम डायग्राम में? दिख रहा है सर. ठीक है, ये एकदम बीच में जाके गिरेगा, सपोज दिस इज एक्स डिस्टेंस, दिस मच डिस्टेंस एक्स, it is also x, so the distance between two poles is not l now, distance between two poles is 2x. theek hai, ab ek kaam karo, yahan par hum log sin theta apply karenge, sin theta, theta actually mein puri angle hai, to ye half angle kitni hogi, ye half wale angle theta by 2, ha, aur ye baki remaining half yahan pe theta by 2, ye dekho ye dikh raha hai theta by 2, ha, to sin of theta by 2 apply karenge, see this. Sine of theta by 2 will apply. Sine is opposite side upon hypotenuse, na? So do it. It will be x divided by r. That is sine theta by 2. So from here you can get x very easily. X will be r times sine theta by 2. Please check diagram carefully and try to understand. Both sides multiply by 2. Multiply by 2 on both sides. 2x equal to 2r sine theta by 2. So ye 2x kya hai? 2x is the length between north and south pole. So this time जब आपने bend किया ना magnet को, तो north और south के बीच का जो distance है वो 2x है. That is 2x. ये 2x को मैं pole strength से multiply करूँगा. Both sides I will multiply by pole strength. Multiply both sides by pole strength. 2rm. Sin theta. दोनों side देखो मैंने m से multiply किया. ये m क्या है? M is a pole strength. थोड़ा सोच के प्लीज आंसर दो, ये क्या बनेगा मेरा 2x into pole strength? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, न्यू डाइपोल मोमेंट और ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट? न्यू डाइपोल मोमेंट. न्यू, ठीक है, 2x न्यू लेंथ है ना दोनों के बीच की. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये r को मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा क्योंकि r रेडियस है सर्किल का, r के टर्म्स में नहीं चाहिए. यहां से देखो r को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? l बाय थीटा. तो r को मैं लिखूंगा l बाय थीटा इंटू स्मॉल एम इंटू साइन थीटा बाय टू, बराबर. अब थोड़ा सोच के बताओ ये क्या है 2 LM, ये वाला ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट.
थोड़ा देखो, ये देखो, तो 2 LM को लिखूं डायपोल में कि LM को ही खाली लिखूं सिर्फ डायपोल में? LM हाँ, और 2 खाली मैंने कंफ्यूज करने के लिए रखा है क्योंकि 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था। अभी सिर्फ LM को आप डायपोल में लिखो, क्या प्रॉब्लम? 2 को छोड़ दो, ये नीचे जो थीटा है इट इज इन रेडियंस, उसको छोड़ दो, साइन थीटा बाय 2, ये आपका आ गया न्यू डायपोल मोमेंट। समझा क्या? देखो वेरी क्लियर, तो इट्स अ फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट व्हिच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क। डायरेक्शन समझा पूरा कैसे गया? नोट कर लो, नोट कर लो पूरा। सर अगर मैग्नेट को इक्वेटर से काटे तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम है क्या, अलग हो जाएगा? सर वापस बोल। अगर मैग्नेट को इक्वेटर या एक्सिस से काटे तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी अलग हो जाएगा या सेम रहेगा? कट करने में मैग्नेट को कट किया वो बोल रहे हो यस सर, इक्वेटर से कट किया तो मैं पोल स्ट्रेंथ आधा होगा या सेम रहेगा? क्या? कट करने पर बोल रहे हो ना, कट करने पर है ना? यस सर, यस यस। हाँ वो एंट्रेंस में आता है, इट इज फॉर एंट्रेंस, ठीक है। एक तरीके से कट करने पे एक साइड से आपने एक्सिस के थ्रू कट किया तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है, अगर इक्वेटर के थ्रू कट किया तो पोल स्ट्रेंथ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आगे वो डिस्कस करूंगा, लेकिन वो एंट्रेंस का टॉपिक है एक्चुअली, तो विल डिस्कस ऑन दैट, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्लियर? सर यस सर। हाँ नहीं, वो कटिंग वाले पे आएंगे हम लोग, डेफिनेटली विल कम, मे बी नॉट इन दिस लेक्चर, आगे के लेक्चर में बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो, ठीक है। स्टूडेंट क्या करना है, एंट्रेंस की भी पॉइंट्स बतानी है कि फिलहाल थोड़ा बोर्ड लेवल का ही कवर करूं मैं पहले? दैट इज माय कंफ्यूजन समवॉट। का भी बताओ, साथ-साथ कवर होता जाएगा ना एंट्रेंस भी, बेटर है, ठीक है। तो एंट्रेंस के लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ एक्स्ट्रा पॉइंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्रेंस, पे अटेंशन ये पॉइंट, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा कटिंग ऑफ अ मैग्नेट, कटिंग अ मैग्नेट, कटिंग अ मैग्नेट। सी एक बात, आपने मैग्नेट सपोज बार मैग्नेट है आपके सामने, ठीक है। बार मैग्नेट को अगर मैं ऐसे 3 डायमेंशनली ड्रॉ करूं, या 3 डायमेंशनली देखूं, तो आई थिंक बार मैग्नेट ऐसा दिखता होगा, देखो 3 डायमेंशनल पिक्चर बराबर है ना। इसमें ये क्या है बोल सकते, ये क्या है, इज इट अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट, ये वाले? यस यस, ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया है इक्वल टू ए, ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। अब देखो अगर मैं इस मैग्नेट को कट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कट दिस मैग्नेट इंटू टू पार्ट, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप पता है ऐसे कट कर सकते हो, देखो ऐसे, मतलब आपका जो नाइफ है ना, सब नाइफ लिया, नाइफ को हॉरिजॉन्टली घुमा दो, ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करो ऐसे, तो उससे पता है क्या होगा, आपका मैग्नेट कुछ इस तरीके से दो पार्ट्स में कट जाएगा ना। इमेजिन हो रहा है कैसे काटा है मैंने? यस हाँ, अगर ऐसे एक बात ऐसे कट किया तो ये जो दो पार्ट्स बनेंगे, दीज आर द टू पार्ट्स विच आर मेड, इन दोनों पार्ट्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा क्या कंपेयर टू ओरिजिनल एरिया? यस यस, इनका एरिया होगा a/2 a/2। हाँ ठीक है, अभी क्या है, हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी पता चलेगा। देखो क्या होता है, इसमें आपको पोल स्ट्रेंथ थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी, पोल स्ट्रेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल, पोल कितना ताकत वाला है, पोल में कितनी ताकत है, वो पोल स्ट्रेंथ से पता चलती है। पोल स्ट्रेंथ जो है ना स्मॉल एम से डिनोट होता है, एक्चुअली रूल ये है कि पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ है ना क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। जितनी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगी मैग्नेट की, उतना पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। एक बात, यहाँ पे मैंने मैग्नेट को कट किया दो पार्ट्स में, तो इसमें सीधा सीधा आप देख डायग्राम देख के भी समझ सकते हो कि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई ना, क्योंकि एरिया हाफ हो गई, राइट? यस हाँ। अब एक बात, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ किया, अगर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, उससे क्या मिलता है? पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है। एक बात, यहाँ पे आपकी पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई, ऐसे कट किया तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई,
तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ। यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाती है। सपोज इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कैपिटल एम है, इसके ईच पार्ट विल हैव अ डायपोल मोमेंट एम बाय टू एम बाय टू। और देखो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पोल स्ट्रेंथ में लिखा है स्मॉल एम, इधर माइनस एम, इधर आते आते पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हाफ की, ये सेम रहेगी इधर हाफ हो जाएगी हाफ। देख लो डायग्राम, ये देखो ये मैंने पोल स्ट्रेंथ लिखी है, ये डायपोल मोमेंट लिखी है, ये एरिया लिखी है और ये सब लिखा है। डायग्राम आई थिंक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, डायग्राम को समझो क्या किया मैंने। वेरी क्लियर। So can I say like this, on cutting a magnet into two equal parts like this, the dipole moment become half na, it become m by 2. ek baar agar maine inko teen equal hisse mein kaata, three parts mein cut kiya to m by 3 ho jayega kya? Yes yes, aise same method se teen parts mein cut kiya, same tarike se m by 3 ho jayega. Okay, similarly n equal parts mein cut kiya, if I cut into n equal parts m by n ho jayega, m by n. लिख लो बाद में याद नहीं रहेगा, ऐसे लिख लो, इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, देन द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस एन टाइम्स, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस एन टाइम्स, डिक्रीज एन टाइम्स में तो वही हो गया ना, डिवाइडेड बाय एन टाइम्स एम अपॉन एन हो जाएगा, समझा? एक बात है, यहाँ पर आपने जो कटिंग किया वो आपको समझ गया होगा, बट मैग्नेट कैन ऑल्सो बी कट इन टू अदर वे ना, एक और तरीके से मैग्नेट को कट कर सकते हैं। सी टू इट, सपोज दिस इज योर मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट है, इसको ऐसे कट कर सकते हैं, देखो तो ऐसे कट किया तो पता है कैसे बनेगा, ऐसे कट करके तो आपको ऐसे दो पीसेस बनेंगे, इमेजिन करो ऐसे कट किया तो यही बनेगा ना शर्मा। तो एक बात, नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही रहेगा कि कम हो जाएगा, हाफ हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम रहेगा, इसलिए पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया पे, प्लस एम है माइनस एम, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर भी वही रहेगा प्लस एम, तो पोल स्ट्रेंथ नॉट अफेक्टेड। एक बात बताओ, ये जो मैग्नेट है इसकी लेंथ सपोज, ये जो मैग्नेट है ना इसकी लेंथ सपोज 2L है, देखो इसकी लेंथ मैंने 2L लिखी है, 2L इनटू स्मॉल m मल्टीप्लाई किया तो उससे मिलती है मूवमेंट, याद है ये? एक बार ऐसे कट किया, ये इसकी लेंथ 2L थी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, 2L और L? L L, तो लेंथ आधी हो गई ना, पहले 2L थी अभी L हो गई, लेंथ हाफ हो गई। अब देखो एक बार, ये लेंथ अगर हाफ हो गई तो व्हाट विल हैपन टू डायपोल मोमेंट, हाफ हाफ, इसलिए यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट हाफ ही हो जाएगी, इवन दो पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज बट लेंथ बिकम हाफ, दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट आल्सो बिकम हाफ, अंडरस्टूड? डायग्राम से हर चीज समझी जा सकती है, इसमें डायग्राम देख लो समझ जाओ इसमें से कैसे हुआ, लेंथ हाफ हो गई, length of each part will be half of the original length, length आधी हो गई, इसके लिए dipole moment भी आधी हो जाएगी, finished? समझा? So I hope you noted down this, note done हो गया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ students, और एक important topic मैं आज cover करूंगा, आज ये जो पहला lecture है ना basics ही चल रहा है, मतलब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बेसिक चीजें सीख रहे हैं, डेरिवेशन वगैरह भी है इस चैप्टर में, डेरिवेशन नए नए कॉन्सेप्ट्स वो आगे पढ़ेंगे, टुडे ओनली फाउंडेशन, ओनली बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब मैं आगे बढ़ाऊँ, नेक्स्ट एक बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होती है,
फील्ड की लाइंस और फील्ड दोनों साथ में. इट्स जस्ट द बेसिक्स विल डिस्कस. अब देखो एक बार बताओ, लुक एट द डायग्राम. सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, ये उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स है, नॉर्थ साउथ. एवरीबडी नोज ये जो मैग्नेट है वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर लेता है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड वो इमेजिनरी एरिया होती है जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ गया तो ये वाला मैग्नेट क्या करेगा उसके ऊपर? फोर्स अप्लाई करेगा. हाँ, तो एवरीबडी इज अवेयर दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट? इमेजिन करो इसने अभी ये जो है ना, इसके आसपास से मैग्नेटिक फील्ड बन गया. ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ठीक है, तो ये फील्ड तो बन गया. अब देयर वाज वन साइंटिस्ट कॉल्ड फैराडे. फैराडे आपने मालूम है, EMI में था फैराडे. फैराडे ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन ये दिख नहीं रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट विजिबल, यू कैन नॉट सी दैट मैग्नेटिक फील्ड. तो उसने बोला उसको दिखाने के लिए, जस्ट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे दिखती होगी, उसको दिखाने के लिए हमने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बनाया. फैराडे ने अज्यूम किया कि ये नॉर्थ पोल से कुछ इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं इससे, और ये लाइंस जो है ना वो एक्चुअल में ऐसे जाके कहाँ जाती हैं, टुवर्ड्स साउथ. लेकिन ये लाइंस कंटिन्यूस क्लोज पाथ होती है, मतलब साउथ पे टर्मिनेट नहीं होगी, वापस वो नॉर्थ से कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ दिस कंटिन्यूस क्लोज लाइंस दिस वे. ये बोलना फील्ड, उसने फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइंस. सो कैन आई से दिस फील्ड लाइंस आर एक्चुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड. ये ऐसे बनाया था, ये लाइंस क्लोज होती है, मतलब ऐसे मत सोचो नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ पे फिनिश हो जाती है, नो, वापस वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, एंड दे मेक अ क्लोज पाथ. दिस लाइंस ऑलवेज मेक्स अ क्लोज पाथ. ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आता है मालूम है. ठीक है, इस लाइंस के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं मैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस सम मोर थिंग्स रिगार्डिंग दिस लाइंस. ठीक है, एक काम करो ध्यान से देखना. ठीक, सब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट, पी पॉइंट है. ठीक है, तो ध्यान से देखो डायग्राम और आंसर दो. पी पॉइंट फील्ड के अंदर है क्या? फील्ड के अंदर ही है तो yes. तो पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट. मुझे ये कैलकुलेट करना है कि पी पॉइंट पे फील्ड कितनी है, हाउ मच इज द फील्ड एट पॉइंट पी. ओके, तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. उसके दो तरीके होते हैं, ध्यान से देखना. देयर आर टू मेथड्स टू मेजर द फील्ड एट एनी पॉइंट. पहला मेथड है लाइंस का मेथड, लाइंस को यूज करके. कैसे? देखो सपोज ये पी पॉइंट है, इसके आसपास में एक छोटा सा सर्किल बना दूंगा या छोटी सी एरिया बना दूंगा. ये देखो छोटी एरिया बनानी है, ज्यादा बड़ी नहीं. ये एरिया सपोज जो ये एरिया ना, ये एरिया डीए है, डीए एरिया डीए, और छोटी एरिया डीए. इसमें से कुछ लाइंस जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं इसमें? ये देखो हाँ, तो ये जो लाइंस इसमें से पर्टिकुलरली जा रही है ना इस एरिया में से, उन लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं. Those lines which passes through this area, particularly through this area, it is called as a flux through this area. So suppose the lines are in about D5. D5 is a number of lines. Okay. Lines hi hai wo area mein se ja rahi hai, lekin jab wo is area mein se jaati hai to unko lines nahi bolte, unko flux bolte hain fir. So ye flux hai through that area divided by that area D5. Aapne EMI chapter mein padha hoga flux upon area, kya milega isse? B. Matlab B. मैग्नेटिक फील्ड B is given by flux passing divided by, हाँ, is it a flux divided by what? Area. एक बात हो, अगर मैं ऐसे करूंगा, सपोज कोई सिटी है, कल्याण सिटी हो गया है, उल्लासनगर सिटी है, कोई सिटी ले लेते हैं, उस सिटी में नंबर ऑफ पीपल विच आर लिविंग इन दैट सिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट सिटी, तो उससे मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी क्या? Yes. नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट सिटी, उससे आपको मिलेगा एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर एरिया ना. यस, तो एक बात हूँ, कभी भी आप कोई चीज लेते हो ना, पॉपुलेशन या फ्लक्स कुछ भी एक ले लो, डिवाइडेड बाय एरिया करते हो ना, तो उससे उसकी डेंसिटी मिलती है. जितने लोग रहते हैं डिवाइडेड बाय एरिया जिसमें वो रहते हैं, तो उससे उस पॉपुलेशन की डेंसिटी मिल जाती है. वैसे ही यहाँ पर भी देखो, तुम फ्लक्स अपॉन एरिया कर रहे हो ना, इससे आपको मिलेगी फ्लक्स पासिंग पर एरिया,
इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, मतलब एक्चुअली फ्लक्स बाय एरिया शुड गिव यू फ्लक्स डेंसिटी, ओके, फ्लक्स बाय एरिया गिव्स यू फ्लक्स डेंसिटी, बट फ्लक्स बाय एरिया से बी मिलता है ना, तो बी का एक और नेम है, आज के बाद याद करो, बी इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्स डेंसिटी. बी से फ्लक्स डेंसिटी का आइडिया आती है कि फ्लक्स डेंसिटी कितनी है. जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वैसे फ्लक्स डेंसिटी भी होती है, फ्लक्स पासिंग डिवाइडेड बाय एरिया. तो बी इज नथिंग बट फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, तो बी को मेजर करने का ये पहला मेथड है, समझा? ठीक है, अभी ये तो आपको मालूम है ऑलरेडी, राइट? आज मुझे सेकेंड मेथड डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे आई विल डिस्कस सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट व्हाट बी एट दिस पॉइंट. एक काम करो प्लीज, ये डायग्राम चाहिए तो बना लो, पी पॉइंट बना लो, ये जो लिखा है पहले लिख लो उतना. Now we will see the second method to calculate what b. अब बोलेंगे सर सेकेंड मेथड क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरत है? सेकेंड मेथड ही इस चैप्टर में काम आएगा, और ये जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया ना बी कैलकुलेट करने, वो आपका ईएमआई में हो चुका है, वो लेके जाओ ईएमआई में. सेकेंड मेथड जो मैं अभी बताऊंगा वो इस चैप्टर में काम आएगा. एवरीवेयर टू कैलकुलेट द बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. अभी आखिरी जो सेकंड मेथड है बी कैलकुलेट करने का, सेकंड मेथड, चलो उसको देख लेते हैं कैसे होता है. मैंने डायग्राम चेंज कर रहा हूं, पर आप अपने उसी डायग्राम पर स्टिक रहो जो आपने बनाया अभी, वो चलेगा. हाँ, अब देखो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ये चीज, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. कूलम लॉ होता है मैग्नेटिज्म में भी, कूलम लॉ होता है, कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. एक बात है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब चार्जेस तो नहीं होंगे. एक बात है, कूलम लॉ आपने वो पढ़ा है चार्जेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कूलम लॉ के लिए कितने चार्जेस की जरूरत पड़ती है टू अप्लाई कूलम लॉ? टू. तो यहाँ पर दो पोल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी ना भाई. तो एक है सपोज, एक पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम वन, दूसरा पोल स्ट्रेंथ है सपोज प्लस एम टू. ये प्लस लिखा जाता है नॉर्थ के लिए. एक बात, ये यहाँ पे डायग्राम देखो, सपोज ये दो नॉर्थ पोल्स हैं, दीज आर द टू सेपरेट नॉर्थ पोल्स. नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है, ये आपको अच्छे से मालूम है. ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल. ठीक है, इनके बीच में सपोज आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस नॉर्थ नॉर्थ पोल इज आर. तो एज यू सेड दे विल रिपेल ईच अदर. जितना फोर्स एम वन पे लगेगा बाय द एम टू, उतना ही फोर्स एम टू पे भी लगेगा रिपल्शन का बाय द एम वन. वो फोर्स को देखो मैंने एफ लिखा है. ये जो एफ फोर्स है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दिस एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू. एम वन एम टू मासेस नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है पोल्स की. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन एम टू. कूलम लॉ आता है ना आपको, और क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? एरिया स्क्वायर. स्क्वायर. फिनिश्ड. यही है कूलम लॉ एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट स्टेप में एक बात, नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा ना, वो कांस्टेंट है म्यू जीरो बाय फोर पाई. वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो नहीं है, म्यू जीरो बाय फोर पाई. एक बात, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं ना दो चार्जेस के बीच का, सॉरी दो पोल्स के बीच का. इसमें किसी को मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो बाय 4 पाई? 4 पाई टू 10 टू माइनस 7 टू माइनस 7 10 टू माइनस 7. 4 पाई की वैल्यू है सिर्फ 10 टू माइनस 7. 10 टू माइनस 7. 4 पाई में शिफ्ट करोगे तो आपको म्यू जीरो की वैल्यू मिलेगी. सिर्फ म्यू जीरो बाय 4 पाई की पूछूंगा तो वो इतनी है 10 टू पावर माइनस 7. जिनको नहीं याद है लिख लो भले, ये सब बिलीव मी, मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूं ना हर चीज बता देता हूं मैं, ऑलमोस्ट जितनी जरूरत नहीं है उससे थोड़ा ज्यादा ही बता देता हूं. अगर आप ये अच्छे से नोट करते हो ना, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे इन चीजों को, क्योंकि आप रिवाइज तो नहीं करोगे उतना. अच्छे से नोट कर लो नोटबुक में, बाद में इस नोटबुक को देख के जाना, आपको हर चीज बात पर रिवाइज हो जाएगी. थोड़ा लिखा करो अच्छे से प्लीज, ठीक है? नहीं तो ये टेक्स्ट बुक में ढूंढते रहोगे ये चीज कहाँ गिवन है, वो चीज कहाँ गिवन है, वो अटकते रहोगे, ठीक है? अच्छा, तो ये कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, पहले इसको क्लियर कर लो, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू पोल्स ना, दो नॉर्थ पोल या नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस, दो पोल्स के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपके वो मेथड पे आ रहा हूँ जो मैंने बोला था सेकंड मेथड टू कैलकुलेट द बी, उस पे आ रहा हूँ मैं अभी. सी,
ये डायग्राम आई होप आपने बनाया था। ये पी पॉइंट पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। सी द सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड ये बोलता है कि ये जो पी पॉइंट है ना, प्लीज ध्यान से सुनना, पी पॉइंट है ना, अज्यूम करो कि पी पॉइंट पर मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया, अज्यूमिंग दैट अ नॉर्थ पोल इज केप्ट एट पी पॉइंट, ओके। एक बार मैंने अज्यूम करो कि नॉर्थ पोल मैंने रख दिया पी पॉइंट पे, लेकिन उस नॉर्थ पोल की कुछ पोल स्ट्रेंथ भी होगी ना, उसकी पोल स्ट्रेंथ है प्लस वन एम्पियर मीटर, देखो मैंने यहाँ पे लिखी है कितनी है उसकी स्ट्रेंथ, प्लस वन एम्पियर मीटर। सो प्लीज ध्यान से सुनो, पी पॉइंट है, पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके लिए वन एम्पियर मीटर जो है, वन एम्पियर मीटर इज अ नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रेंथ वन एम्पियर मीटर, इसकी पोल स्ट्रेंथ वन एम्पियर मीटर, वो मैंने पी पॉइंट पे रख दिया। सो पी पॉइंट पे क्या रख दिया मैंने, नॉर्थ पोल ऑफ हाउ मच स्ट्रेंथ, वन एम्पियर मीटर। तो जो पी पॉइंट पे नॉर्थ पोल रखा है उसको रिपल्शन या उसको फोर्स फील होगा क्या बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट? यस, क्या सोचो, कोई या कोई सोचो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड में आपने नॉर्थ पोल रख दिया, फील्ड के अंदर पी पॉइंट पे मैंने नॉर्थ पोल रख दिया, उस पर क्या लगेगा फील्ड की तरफ से, क्या लगेगा फोर्स? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो फोर्स जो लगेगा ना, ओके, द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस वन एम्पियर मीटर एट पॉइंट पी, देखो यहाँ पे लिखा है पी पॉइंट पर तुमने एक प्लस वन एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ रख दिया, उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ये फोर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो कूलम लॉ को यूज करके ना, यूजिंग कूलम लॉ आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वन एम्पियर मीटर को, उसी फोर्स को बोलते हैं बी एट पॉइंट पी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज एक्चुअली डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन एम्पियर मीटर एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे जो फोर्स एक एम्पियर मीटर को लगेगा वही क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ये दो तरीके हैं जिससे तुम बी निकाल सकते हो, समझा क्या? यस, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल स्ट्रेंथ मतलब वन एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर इज अ यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ना, याद है एम्पियर मीटर, वही लिखा है मैंने, तो उसकी भी उसको भी बी बोलते हैं। अगर तुमको ये समझ गया, हाँ सर ये पूरा क्लियर है अभी, अगर समझ गया तो मुझे छोटी सी पॉइंट का आंसर दो प्लीज, लुक यार छोटा सा आंसर देना। ये सपोज एक मैग्नेट है, इसने अपने आसपास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना ली, ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर मैंने 10 एम्पियर मीटर का मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया, देखो पी पॉइंट पर मैंने 10 एम्पियर मीटर का, ये 10 एम्पियर मीटर उसकी पोल स्ट्रेंथ है, 10 एम्पियर मीटर का एक नॉर्थ पोल रख दिया, उसको मैंने देखा कि ऐसा एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स मैंने कैलकुलेट किया तो ये फोर्स 40 न्यूटन निकला। तो कोई बता सकता है यहाँ पे बी कितना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? 4 है, ये 40 फोर्स किसको फील हो रहा है, 10 एम्पियर मीटर को, तो 1 एम्पियर मीटर को कितना फील होगा, 4, तो 1 को एक्सपीरियंस होता है, 1 एम्पियर मीटर को जो फोर्स लगता है वो 4 होगा, उसी को बी बोलते हैं ना, ठीक है। तो बी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो बी इज ऑल्सो डिफाइंड एज दिस वे, फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय दैट पोल स्ट्रेंथ एफ बाई एम। देखो फॉर एग्जाम्पल इन आवर प्रॉब्लम दिस एफ वॉज 40 न्यूटन, लेकिन एम बी 10 एम्पियर मीटर था ना, तो क्या 40/10 कितना है, 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बी की ये भी फॉर्मूला चलती है, मतलब बी इज व्हाट, बी इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 एम्पियर मीटर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसकी फॉर्मूला ये भी है बी इक्वल एफ बाई एम, ठीक है, समझा ये एग्जाम्पल? यस सर, थोड़ा ध्यान में रखो, तो बी इज डिफाइंड एज एफ बाई एम, m को पहले तुम इधर शिफ्ट कर दो, f को हम लोग लिख सकते हैं m into b also, basics ही बताया आज मैंने, उतना effectively नहीं होता है बोर्ड पे, मैं ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से करा सकता हूँ लेकिन ऑनलाइन मुझे भी नहीं जमता है, बट आई होप इट वॉज क्लियर, नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ मैं, बट इट्स ओके, क्लियर दिस मच? आज के टॉपिक्स में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीज ऐसी है जो अटक रही है, बता दो, भले मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, बट
एटलीस्ट यू कैन मेंशन टुडे. कोई ऐसी चीज है जो नहीं क्लियर है अभी भी इतनी प्रॉपरली, मेक इट वेरी क्लियर है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो. समझ गया? दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक. आज फाउंडेशन कर लिया है चैप्टर का, अगली बार धड़ाधड़ हम लोग इसके डेरिवेशन टॉपिक्स फिनिश करेंगे इजिली. इट इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, अगले तीन या चार मैक्सिमम लेक्चर्स में, मैक्सिमम चार में खत्म हो जाएगा ये विथ न्यूमेरिकल्स. सो नॉट वेरी बिग. ओके, बाकी चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, विल मीट नेक्स्ट टाइम. सर पहला पेज दिखाओ ना. पहला पेज सर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बताओ. तो ये फर्स्ट पेज था. थैंक यू. देखिए सर अर्थ के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड बताओ. वापस बोलो जोर से. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. हाँ वो एक सेपरेट टॉपिक है. इट्स अ टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर छोड़ के उसके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, मतलब सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा. ठीक है, वो पूरा टॉपिक है अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड. वो एक घंटा लूंगा मैं उसमें थियरी, उसके छोटे से प्रॉब्लम सब करा दूंगा. इट विल बी मोर क्लियर इन वन लेक्चर. यस सर. ठीक है, हाँ विल मीट.